वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। सो मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को बताने वाली हूँ अंडरआर्म्स वैक्स में आपको किस तरीके से कर लेना है अगर नॉर्मल ग्रोथ होती है तो। वैसे मैंने अंडरआर्म्स वीडियो के बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं तो आप वो देख सकते हो, लेकिन नॉर्मल अगर आप कर रहे हो तो नॉर्मल ग्रोथ में तो वो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर एलोवेरा वैक्स ली है, एक स्ट्रिप एक इस तरीके से वुडन स्पैचुला लिया है लकड़ी का। इससे क्या थोड़ा सा जलने का डर नहीं होता है बिल्कुल भी। और वैक्स में हीटर लिया है, वैक्स में रख लिया है और पानी लिया है, स्प्रे बोतल और पट्टी ली है, एक इस तरीके का बड़ा सा टावल लिया है और मैंने यहाँ पर लिया है पाउडर। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए अंडरआर्म्स की ग्रोथ देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, हैवी नहीं है ग्रोथ। और डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन ज़्यादा इधर उधर नहीं है, एक ही साइड डायरेक्शन है पूरा। तो अगर किसी का इस तरीके के अंडरआर्म्स हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हो फटाफट से जल्दी। तो देखिए सारे अंडरआर्म्स में, मतलब अंडरआर्म्स के पूरे हेयर में एक ही बार में लगा लिया है वैक्स को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। आप चाहे तो दो बार में भी लगा सकते हो और एक ही साइड डायरेक्शन है इसीलिए एक ही साइड पूरा एप्लीकेशन कर लिया है वैक्स का। वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि अंडरआर्म्स का एरिया भी बहुत सेंसिटिव होता है। तो अभी जबकि सर्दियां हैं, हल्की सर्दियां हैं अभी भी, तो अभी भी आप बहुत आराम से वैक्स कर सकते हो कहीं पर भी, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बड़ी पट्टी रखते हो, बड़ी पट्टी आती हैं जो आप उनको कट कर सकते हो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इससे क्या होगा, बहुत आराम से आप अपना काम कर लोगे। तो अच्छे से प्रेस करना है आपको और उसके बाद में आपको पकड़ के स्किन खींच लेना, तुरंत हाथ रख लेना है। उससे क्या होगा, बिल्कुल भी उनको जो है पेन इतना नहीं होगा। और देखिए एक ही बार में अंडरआर्म्स हो गए हैं क्लीन, आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल भी कोई बाल नहीं रहा है। उसके बाद आप फिर से एक बार रीचेक कर लेंगे सही से कि कहीं पर बाई चांस कुछ तो नहीं रह गया। तो मुझे एक दो अंडरआर्म्स और एक दो बाल सॉरी दिख रहे थे, तो मैंने उस जगह पर फिर से लगा लिया है और मैं फिर से एक बार पट्टी उस जगह पर लगा के और उसके बाद फिर से रिमूव करूँगी। उससे क्या होगा ना, बहुत इजीली निकल आएगा और जो टैनिंग वगैरह भी होगी वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगी। तो बहुत इजीली इस तरीके से आपका काम हो जाता है फटाफट भी और जल्दी। तो आराम से देखिए हो गया है। अब आप पानी से स्प्रे कर लीजिए, क्लीन कर दीजिए अंडरआर्म्स को और उसके बाद में आप दूसरा अंडरआर्म्स कर लीजिए। अच्छे से चेक करवा देंगे कस्टमर को भी कि उनको मतलब कहीं कोई बाल दिखाई तो नहीं दे रहा है। अगर बहुत छोटा बाल है तो फिर आप उसे थ्रेड की हेल्प से भी निकाल सकते हो जो वैक्स में नहीं आ रहा हो। तो इसकी देखिए डायरेक्शन देख लेंगे अच्छे तरीके से, किधर जा रही है इसकी डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में इसको करेंगे। तो इसकी भी मोस्टली डायरेक्शन जो है सब नीचे की तरफ ही है, तो हमने सारा देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ ही लगा दिया है। देखिए बिल्कुल इजीली लग गया है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ज़्यादा टैनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इजीली आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको पट्टी रखनी है और प्रेस करना है अच्छे तरीके से, अच्छे से दबा के, और उसके बाद में आपको पकड़ के और अपोजिट साइड खींचना है बस आराम से, और हाथ रख लीजिए तुरंत, बिल्कुल ईजीली वैक्स हो जाएगी। और एक ही बार में अच्छे से देखिए क्लीन हो गया है यहाँ पर। अब कहीं पर कोई एक दो बाल रह गया है तो उसको आप बाद में रिमूव कर सकते हो, और अगर नहीं रहा है तो फिर आप पानी से स्प्रे करके और क्लीन कर लीजिए। पट्टी को तुरंत के तुरंत फोल्ड करेंगे अच्छे से और फोल्ड करके डस्टबिन में फेंकेंगे। इस तरीके से देखिए क्लीन कर लेंगे पानी की हेल्प से दोनों साइड और अच्छे तरीके से। उसके बाद में अच्छे से डैप डैप करके रगड़ेंगे नहीं टावल से, डैप डैप करके ड्राई कर लेंगे स्किन को, और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र या मसाज क्रीम जो होती है मसाज क्रीम लगाएंगे। मसाज क्रीम लगाने से क्या होगा ना, अच्छे से रिलीफ फील होगा, बिल्कुल भी इचिंग नहीं होगी, दाने निकलने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी अगर आप इस तरीके से अंडरआर्म्स क्लीन कर रहे हो तो। दोनों साइड कर लेंगे। और इसका जो प्राइस है मैं अपने पार्लर पर लेती हूँ 70 रुपये, तो आप अपने पार्लर पर इस तरीके से ले सकते हो, 50 रुपये भी ले सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में 50 रुपये ही प्राइस लिया था, तो 50 रुपये भी आप रख सकते हो अपने पार्लर पर सिर्फ अंडरआर्म्स का नॉर्मल वैक्स के साथ। सो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है दोनों साइड का, और अब हम दोनों साइड, एक साइड मॉइस्चराइज़र लगा चुकी हूँ मैं, दूसरी साइड भी लगा लूँगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। सो ओके बाय, राधे राधे।